काटा काटूंगी क्योंकि आप बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत। और ये भी इसने प्रेस करने की जहमत नहीं उठाई। अच्छा बच्चा है ये। अच्छा पापा कह रहे हैं किसके लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, वो एक सस्पेंस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ व्लॉग जहाँ पे मैं आज आपके साथ पूरा अपना एक दिन शेयर करूँगी। और मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो ऑब्वियसली लेमन वाटर के बाद मेरी कॉफ़ी के साथ होती है। तो मेरे व्लॉग में होती है कॉफ़ी, उसके बाद होते हैं मेरे दिन भर के काम, स्पेशली कुकिंग। और यहाँ बालकनी में मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जैस्मिन होती है या उदय होता है। बहुत कम बार होता है ऐसे कि कुलदीप जी मेरे साथ होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मैं हमेशा जिम में होती हूँ। आज मैं जिम नहीं गई क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं कंटिन्यूसली जिम जा रही थी। आज मेरे को हल्की सी बैक पेन थी तो मैं उसे बढ़ाना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे कहीं बाहर भी जाना है एक दो दिन में। सो आई डिसाइडेड कि आज ब्रेक लेते हैं। आज कुलदीप जी गोडाउन नहीं गए तो मैंने उनको गार्डन में पानी देने के लिए लगा दिया। और वैसे भी आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं, आज मुझे आउटडोर काम भी करने हैं इंडोर काम के साथ साथ। तो चलिए बाकी के काम तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट मील से, यानी कि ब्रेकफास्ट से। अच्छा उसको मैंने बोला कि क्या हो गया बेटा, तो तेरे को बहुत तकलीफ हो गई है, देखो तो सही, मतलब इसको कुछ बोल ही नहीं सकती मैं। अच्छा अच्छा तेरे को भी बोल रही हूँ, जोई क्या हो गया बेटा? जेलस, देखो जेलस। इंसानों के बच्चों की तरह जानवरों के बच्चों को भी एक दूसरे से बहुत जेलस होती है। जोई और स्टफी को इतनी ज़्यादा जेलस होती है, अगर एक को प्यार करे दूसरे को भी उसी टाइम सेम तरह का प्यार चाहिए। एक से अगर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं दूसरे को भी सेम ही पैम्पर चाहिए। और ये एक दिन का नहीं रोज़ का काम है। खैर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में अंडे और ब्रेड, तो बनाएंगे कुछ अलग तरह से। स्पेशली आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंडे और ब्रेड बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेड मैंने आज खुद से बनाई है। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है ब्रेड बनाने के लिए। मुझे था कि अगर अच्छी बनी तो मैं हर बार घर में खुद ही ब्रेड बनाऊंगी। तो इस ब्रेड के स्मॉल साइजेस पे आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मेरे पास मोल्ड नहीं था। अचानक से मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेड बनाना ट्राई करती हूँ, और फिर मैंने ट्राई भी किया। नो डाउट ब्रेड अच्छी बनी है, लेकिन साइज़ वो नहीं आया जो एक्चुअल ब्रेड का होता है। और इस ब्रेड ऑमलेट रेसिपी के लिए वैसे भी आपको ब्रेड को बीच में से काटना ही पड़ना था, क्योंकि ये बनेगी ही ऐसे। और मेरी तो ब्रेड वैसे ही हाफ हाफ साइज़ में नज़र आ रही है, तो मुझे इजी हो गया। अंडे को तवे पे फैला के उस पर ब्रेड स्लाइसेस रख देने हैं, फ्लिप कर देना है, उसके बाद उस पर चीज़ डाल देंगे। आप अपने मनपसंद का चीज़ डाल सकते हैं, चाहे तो मोज़रेला चाहे तो प्रोसेस्ड चीज़। उसके बाद उसको फोल्ड कर देंगे, देन उस पर हम सब्जियाँ रखेंगे जैसे कि प्याज या टमाटर। अच्छा सा ऑमलेट सैंडविच आपके पास बन जाएगा। तो इस ब्रेड को बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, बिल्कुल नॉर्मल पानी, और 2 टीस्पून उसमें डाले मैंने यीस्ट, 2 टेबलस्पून हम उसमें डालेंगे हनी। इनको मिक्स करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छा ये ब्रेड जो भी हमारे घर में आती है वो सब में मैदा होता है 40-45%, चाहे उस पर आटा ब्रेड लिखा हो, चाहे ब्राउन ब्रेड लिखा हो, चाहे मल्टीग्रेन ब्रेड लिखा हो, मैदा हर ब्रेड में होता है। तो मुझे बस ये था कि अगर हम कभी कभी कोई चीज़ ऐसी खाते हैं जिसमें थोड़ा मैदा होता है तो कोई बात नहीं, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर में हम वो चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि घरों में ब्रेड हम रेगुलर यूज़ करते हैं,
तो अगर आपके पास ऑप्शन है घर पे बनाने की तो क्यों नहीं। अभी तो मैं सिर्फ वीट फ्लावर से ब्रेड बना रही हूँ, मुझे था कि अच्छी बनी तो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड और साथ ही मिलेट ब्रेड भी ट्राई करूंगी। तो डो रेडी करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, बस वही पानी एक कप जिसमें मैंने यीस्ट डाला था उसी का इस्तेमाल किया है। तो और जो वीट फ्लावर मैंने लिया है वो मैंने लिया है 2.25 कप यानी कि 2 कप्स और साथ में 1/4 कप, और बस उसी के साथ एक आटा हम रेडी कर लेंगे और इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे। 1.5-2 घंटे में बढ़िया से ये डो फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद एक चॉपिंग बोर्ड में मैंने ड्राई आटा बिछाया है, फिर से ये डो उस पर डालेंगे, हाथों से थोड़ा सा इसको अच्छे से मलेंगे, फिर हम इसको डालेंगे मोल्ड में। ब्रेड मोल्ड ऐसा नहीं होता है, मतलब उसकी शेप ऐसे नहीं होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे पास अभी ब्रेड मोल्ड नहीं था, मैंने जस्ट एक ट्राई लिया जो भी मेरे पास पड़ा था उसके साथ कि अगर अच्छी बनी तो ही मैं ऑर्डर करूँगी। तो अभी ये ब्रेड काफ़ी अच्छी बनी थी नो डाउट, लेकिन उसका साइज़ वो नहीं आया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ब्रेड मोल्ड्स ऑर्डर कर दिए हैं, बहुत जल्दी मैं आपको बहुत तरह की ब्रेड्स बना के दिखाऊंगी। तो मोल्ड में डालने के बाद भी 1 से 1.5 घंटा इसको रेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद हम इसको प्री हीट ओवन में रखते हैं कम से कम भी 40 मिनट्स के लिए 185 डिग्री सेल्सियस पे। ब्रेकफास्ट तो खैर रेडी हो चुका और सबने ब्रेकफास्ट कर भी लिया, लेकिन लंच में बना रही हूँ मैं लौकी कोफ्ता। कोफ्ता आज बनाएंगे हम बिना तले हुए, फ्राई नहीं करेंगे, एयर फ्रायर में बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, हाँ माइनर सा डिफरेंस ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम हेल्थ के भी से देखें तो हाँ बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि तेल उसमें बिल्कुल नहीं होता। आप 2 की बजाय 4 कोफ्ता भी खा सकते हैं। किसी को राइस के साथ अच्छे लगते हैं तो किसी को चपाती के साथ। मैं आजकल जैसे कि राइस नहीं खाती हूँ तो मिलेट्स बना रही हूँ, फॉक्सटेल मिलेट मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, मैं और जैस्मिन तो वही खाएंगे। पानी सारा एज यूजुअल हमें निकालना ही पड़ता है, उसके बाद बेसन और साथ में सीजनिंग, नमक मिर्च वगैरह, अजवाइन भी डाल दी, थोड़ा अमचूर भी मैंने डाला है, तो मिक्स करके साइड रख देंगे। तो बस एयर फ्रायर में बटर पेपर लगा के थोड़ा सा ऑयल उस पर लगा देना, बस कोफ्ता उसमें रख देने हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं एक लॉट तैयार होने में। कोफ्ता के लिए ग्रेवी आप कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं जैसे साबुत मसाले होते हैं पहले वो डाल देती हूँ, उसके बाद मैंने कुटा हुआ इसमें लहसुन डाल दिया, प्याज डाल देंगे एज़ यूजुअल। कुछ लोग ना ग्रेवी में दही भी डालते हैं और बाद में उसमें क्रीम या मलाई भी डालते हैं। मलाई या क्रीम से टेस्ट तो बढ़ता है, साथ में फैट कंटेंट भी बढ़ जाता है, लेकिन जब हम कोफ्ता फ्राई नहीं कर रहे क्योंकि हम फैट ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो फिर मैं मलाई या क्रीम भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। प्याज वगैरह भून लेने के बाद उसको अलग से निकाल के ग्राइंडर जार में उसे ग्राइंड करके उसका पेस्ट रेडी कर लेना है। टमाटर वगैरह मैंने अभी नहीं डाले हैं। उसके बाद मक्खन डालेंगे, उसके बाद ज़ीरा पाउडर उसमें भून लेंगे, फिर डालेंगे वो प्याज वाला मसाला जो हमने ग्राइंड किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 कटोरी भर के टोमेटो प्यूरी। बस 5 से 7 मिनट लगेंगे टोमेटो प्यूरी को अच्छे से पकने में, यानी कि उसका कच्चापन निकल जाने में। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी हम रेडी कर लेंगे, एंड में जाके हम कोफ्ता डालेंगे। ग्रेवी रेडी होने में तो अभी लगेंगे 5-7 मिनट, तब तक हम मिलेट्स रेडी कर लेते हैं। मिलेट्स पक चुके हैं, बस मुझे कुछ सब्जियां इसमें सॉटे करके डालनी हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने, उसमें गार्लिक डाला, उसके बाद सब्जियां डाल दी हैं कटी हुई जैसे कि बीन्स, गाजर और साथ में शिमला मिर्च, नमक डालना है और काली मिर्च का पाउडर। बस इन्हें थोड़ा कवर करके हम पकने देंगे।
जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्जियाँ आपके हर मील में होनी चाहिए, चाहे सैलड की फॉर्म में हो या आप उनको सॉटे करके भी ले सकते हैं। तो मिलेट्स का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने एक कटोरी में एक नींबू का जूस, ऑलिव ऑयल और साथ में थोड़ा सा हनी डाला है। साथ में उसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। बस इसे मिक्स करके पोर कर देंगे हम मिलेट्स पे, उसके बाद वो सब्जियाँ उसमें डाल देंगे, तो एक प्रॉपर मील आपका रेडी हो गया। अब इन मिलेट्स के साथ साथ मैं 2 कोफ्ता भी ज़रूर खाऊंगी। आज सुबह से जैस्मिन सैलून में है क्योंकि वो अपने बालों में केराटिन करवा रही है। जैसे वो आएगी हम लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए। Are you ready? Born ready. जैस्मिन ने इससे भी भद्दी टी शर्ट पहनी थी जो मैंने जबरदस्ती इससे खुलवाई है। भद्दी नहीं है वो, कंफर्टेबल वो इतनी घसी हुई टी शर्ट है। हम लोग देखो, आई डोंट नो आप लोग कैसे प्रेफर करते हो, बट आई डोंट प्रेफर गोइंग शॉपिंग इन फिटेड क्लोथ। मैं मुझे होता है कि मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनूं अपने, शॉपिंग इतने उतारने पड़ते हैं और बाबा पहनने पड़ते हैं। और ये भी इसने प्रेस करने की जहमत नहीं उठाई। क्या बात कर रही हूँ? आपने वो थ्योरी ले ली कि जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कंफर्टेबल मत रखो। नहीं नहीं, ऐसा तो कंफर्टेबल नहीं है इस टी शर्ट में, पर ये मच बेटर लग रही है। तो इनके पास टाइम नहीं है एज यूजुअल, ये हमें सिर्फ छोड़ने जा रहे हैं, सिर्फ ड्रॉप करने जा रहे हैं और हम जब लेडीज की शॉपिंग हो जाएगी फिर ड्राइवर आ जाएंगे फिर हमें पिक करने। खुश हो इतने में? गुड फन। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं, अच्छा बच्चा है ये, लेके आऊँ? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ लिस्ट। मेरे पास तो हमेशा लिस्ट रेडी रहती है। बोलो। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि आज मैं अपने लिए तो स्पेशली कुछ भी लेने जा रहा हूँ। एक चीज मैं अपने लिए बाय नहीं करूंगी आज। ये कैमरा भी रिकॉर्ड हो गया? नहीं नहीं, रिकॉर्ड हो गया तो देख लेना। मैं अच्छा, तो जैस्मिन इस चीज की गवाह है, मैं एक चीज अपने लिए बाय नहीं। सब गवाह होंगे अगर आपने ये सीन काटा। काटूंगी क्योंकि आप लोग है, ये तो मुझे पता है। मैं एक टी शर्ट देख लूँ। नहीं नहीं, क्यों लेनी है? जिम के लिए चाहिए होती है ना। मैं फिर मम्मा का जैसे देखूंगी ना, मम्मा का जैसे देखूंगी, लुक दूंगी कि आप तो बोलते नहीं तुम्हें बात तो इतने अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। यार तुम लोग मेरी कॉपी पेस्ट करते हो। ऐसा कुछ नहीं, ये सच्चाई है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आज तो पहले बिल्कुल कुछ नहीं लेना। मैं क्या शॉपिंग करने जा रही हूँ, किसके लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, वो एक सस्पेंस है और वो सस्पेंस जो है वो नेक्स्ट व्लॉग तक बना रहेगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको खुलासा हो जाएगा। बहुत ही एक्साइटिंग है। बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ज्यादा। आज मैं जिसके लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ उस आई थिंक मैं दिखा दूंगी आपको। उस शॉपिंग से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा, वो गैस भी कर लेंगे। गैस कर लोगे तो कमेंट में बता देना मुझे कि किसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। एक्चुअली जिसकी शॉपिंग के नाम पे हम लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं उसकी शॉपिंग बाद में होगी, पहले जैस्मिन की शॉपिंग होगी। क्योंकि जैस्मिन रोड ट्रैक के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पे होस्ट कर रही है प्रोग्राम को, तो उसे एक फॉर्मल सी ड्रेस चाहिए थी। तो पहले हम वो ले लें ताकि उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम बाकी के काम करेंगे। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग सिर्फ जैस्मिन की ड्रेसेस ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक वेस्टर्न इसकी सिलेक्ट हो गई है, एक उसको इंडियन लेनी है, कुर्ता या कोई भी सूट हम ट्राई कर रहे थे। तो अभी इसका फ्री हो उसके बाद हम एक्चुअल जो काम करने आए हैं वो करने जाएंगे। और मुझे बहुत कुछ यहाँ पे पसंद आ रहा है, बट मैं देखो तो मैंने प्रण लिया है कि मैंने कुछ नहीं लेना आज, मैं बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। हाँ मन तो होता है भाई देख के, क्यों नहीं, मैं तो बोल रही हूँ ये चीज। कुर्ते 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, मन नहीं करता 50% डिस्काउंट देखे तो वैसे ही मन कर जाता है कि चलो यार चल एक आध ले लेते हैं, बट नहीं, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एज आई सेड। वाओ, कितने सालों बाद मैं इतने छोटे बच्चों के कपड़े लेती हूं। टाइटल से भी आपको पता चल गया कि मैं न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग कर रही हूँ, और अब तो आप देख भी रहे हैं कि हम वही चीज ले रहे हैं। लेकिन कौन है वो न्यू बॉर्न बेबी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आप ज़रा सा भी गेस कर सकते हैं तो। अदरवाइज नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता भी दूंगी और दिखा भी दूंगी, मिलवा भी दूंगी।
इस शॉपिंग पे आने का अलग ही एक्साइटमेंट था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अगर आप हल्का सा भी गेस कर पा रहे हैं कि मेरा उस न्यू बॉर्न बेबी के साथ रिलेशन क्या है, और अगर आप हल्का सा भी गेस कर पा रहे हैं कि वो बेबी मुझे क्या कह के बुलाएगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ एक लोग भी बता पाए तो मुझे खुशी होगी, मुझे लगेगा कि आप लोग मुझसे बहुत कनेक्टेड हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी शॉप्स ट्राई की, लेकिन थैंक्स टू मी एंड मॉम्स एक ही छत के नीचे हमें काफ़ी चीज़ें मिल गई। आठ बज गए हैं, पेट पूजा हो रही है, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, एंड वी आर ईटिंग हेल्दी, अनहेल्दी एट ऑल। वी हैव डन साल भर की शॉपिंग, बहुत शॉपिंग करी है, गवाह है ये, मैंने कुछ नहीं लिया, मतलब सिंगल चीज़ भी मैंने ली नहीं। यू वर टेम्प्टेड टू, बट क्योंकि आपने बोल दिया था ब्लॉग में, इसलिए आपने नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं सच में डिसाइडेड था कि मैंने नहीं लेना, मुझे जरूरत भी नहीं थी अब किसी चीज़ की, क्यों काम था उनको थोड़ा सा कंट्रोल, जैसे जीप पे करते हैं ऐसे मन भी थोड़ा सा करना चाहिए, है ना। तो चलिए बस आज के व्लॉग में इतना ही था, अब मैं आपको मिलूंगी एक्साइटमेंट से भरे हुए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।